नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपके लिए कोरल ड्रॉ का फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज ब्लॉक शैडो। कैसे हम इस टूल का उपयोग करते हैं, आज हम इस टूल को उपयोग करना सीखेंगे ब्लॉक शैडो को। एंड दोस्तों आपको बता दें, ये आपको टूल्स कोरल ड्रॉ 11.14 में नहीं देखने को मिलेगा। ये टूल आपको कोरल ड्रॉ की लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं 17.18 में मिल सकता है, लेकिन 20 में आपको डेफिनेट मिलेगा। तो यदि आप इस टूल का उपयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों ब्लॉक शैडो के लिए आपको यहाँ पर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं आप और एलिप्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर एक कलर दे सकते हैं, इसके अंदर मैं देता हूँ यहाँ पर स्काई ब्लू, यहाँ पर रेड, ठीक है। तो पहले हम इस पे काम करते हैं रेड, यहाँ पर रेड पे। तो यहाँ पर इस टूल को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ड्रैग करना है। ड्रैग आप ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। तो मैंने ले लिया एंड मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ, तो इस तरह से ये बन जाता है, इस तरह का इफेक्ट आ जाता है। आप यहाँ पर कहीं पे भी आप इसको रख सकते, किसी तरह भी घुमा सकते हो, किधर भी रख सकते हो, ठीक है। इसकी एक स्लाइड बनेगी छोटी सी, तो आप स्लाइड को इस तरह से आपको अप डाउन कर सकते हो स्लाइड को, देखिए, ठीक है। अब आप चाह रहे हो ये जो शेडो है ब्लैक नहीं, कुछ और होना चाहिए इस तरह का, मतलब इस टूल में है, तो आप इस तरह कोई भी कलर इसमें चेंजेस कर सकती हो, है ना, देखिए, ठीक है। आप चाह रहे हो रेड नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो आप इसका भी चेंज कर सकती हो। तो इस तरह से ये वर्क करती है ना यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इस टूल के कुछ इसके प्रॉपर्टी आए थे, प्रॉपर्टी में यूज करके आप इसके कलर और इसके यहाँ से आप माउस के हैंड से भी ड्रैग कर सकते हो, और यहाँ से आपको भी ड्रैग करने के लिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पर इस टूल की आपसे इस तरह से डिज़ाइन तो बना सकते हो बेसिकली। अब आपको कैसे बनाना है वो आप क्रिएटिविटी दिखाइए, है ना। तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया, एलिप्स में भी इसका यूज हो जाता है, देखते फिर भी ट्राई करके देखिए, इस तरह से इसका भी होने लगा, है ना। अब इसमें कलर आपको कुछ और देना है तो वो भी आप दे सकते हो, देखिए, है ना। यहाँ पर कुछ आप आइटम रख सकते हो, मतलब 2D डिज़ाइन के लिए बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ब्लैक शैडो का उपयोग करते हैं। ये नया टूल है, आप सीखिए, अच्छा टूल है। अगर आपको यहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग बनानी है तो आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट पे वर्क करता है कि नहीं करता, तो वो भी आपको दिखा देती। एंड कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं स्काई ब्लू, एंड यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टूल हमने पता है तो वहाँ पे भी इस तरह कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह कर सकते हो, देखिए, है ना, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हम तो केवल आपको समझा रहे हैं कि इस टूल का कैसे हेल्प आप यूज कर सकते हो, है ना। अब आपको किस तरह की डिज़ाइनिंग बनानी है, किस तरह का टेक्स्ट में इफेक्ट देना है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो क्रिएटिविटी दिखानी है आपको इस तरह यूज करके आप दिखा सकती हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य केवल बेसिक लेवल पे आपको बताना है कि इस टूल का आप किस तरह यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या बनाना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये बेसिक जानकारी थी हमारी यहाँ पर ब्लॉक शैडो टूल्स की। तो इसी तरह की और कोरल ड्रॉ से चैप्टर वीडियो के लिए, कोरल ड्रॉ के और नए चैप्टर के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।